क्या घर में जो शिवलिंग रखते हैं उस पर सर्प होना जरूरी है क्या? बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। ये इस संवाद को अपने जीवन में उतारिएगा, इस संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि मंदिर में जैसे शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, तो क्या घर में जो शिवलिंग होता है उस पर सर्प रखना जरूरी होता है? अगर आपके शिवलिंग के ऊपर सर्प है आप रखो, मना नहीं है। चांदी का सर्प है चांदी का रखो, तांबे का हो तांबे का, पीतल का हो पीतल का, ये आपकी मर्जी। उस सर्प को आप रख सकते हो, मना नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उसको निकालो और निकाल कर कहीं विसर्जन कर आओ या निकाल कर कहीं छोड़ आओ। हमारा तो केवल इतना कहना है कि घर में अगर मंदिर में घर के पूजन स्थल में शंकर जी के शिवलिंग पर अगर सर्प रखा है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके मन में आए कि हमें अलग से हमारे यहाँ नहीं है तो हम क्या बनवाएं, तो बनवाने की जरूरत है। रखा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पर घर के शिवलिंग पर अगर सर्प नहीं है तो अलग से बनवा कर रखने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग में पहले से ही सर्प होता है, ये शिव महापुराण की कथा में, ये कर्कोटक की कथा में स्पष्ट किया गया। 1000 सर्प माता कद्रू के पुत्र हैं, 1000 पुत्र माता कद्रू के, और 1000 ये सर्प जो माता कद्रू के हैं उसमें चौथे नंबर का सर्प है काल, जो भगवान शंकर के शिवलिंग से जाकर लिपट गया, भगवान शंकर के शिवलिंग से जाकर लग गया और भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा। बस वो कारकोटक भी शिव से जुड़ने के बाद में, शंकर को लगने के बाद में, वो कारकोटक भगवान के एक बार हृदय चित्त से लग गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा समाया ही। शंभू